फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बर्फी मिठाई की रेसिपी, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताया है। एक कप सूजी में हम ढेर सारी मिठाई बना सकते हैं। और ये देखिए, एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली है। सूजी की बर्फी बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, शुरू करते हैं इसको बनाना। तो आधा कप हम यहाँ देसी घी का लेंगे। मेजरमेंट का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँगी। थोड़ा सा घी मैंने रख लिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारा घी इसमें डालें। आधा कप हमने मेजरमेंट घी का रखा है और उसी का एक कप हम इसमें नॉर्मल घी गर्म होने के बाद एक कप सूजी डाल देंगे। इसमें जितना हमने सूजी लिया है उससे आधा हमने घी लिया है और इसको अच्छे से चला देंगे। गैस को हमें मीडियम लो फ्लेम में रखना है और इसको 7-8 मिनट लगातार ऐसे चलाते रहेंगे, जिससे सूजी को हमें अच्छे से सेक लेना है, रोस्ट कर लेना है अच्छे से। तो हम 8-10 मिनट इसको ऐसे चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान उसको भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, मैंने यहाँ फास्ट मोड कर दिया है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाए तो मैंने फास्ट मोड पे आपको सारा भी दिखा दिया। तो हमने ये देखिए 8 मिनट हो गए हैं और सूजी देखिए घी को भी रिलीज कर दिया है और अच्छे से सिक चुकी है। तो अभी हम इसको एक साइड कर देते हैं और अभी हम एक पैन लेंगे, इसमें हम एक कप चीनी का डालेंगे। जितना हमने सूजी लिया है उतना हम इसमें चीनी डालेंगे, और एक कप हम चीनी लिया है तो आधा कप इसमें हम पानी का डालेंगे। और गैस को हमें यहाँ हाई फ्लेम में रखना है, और हम इसमें एक तार की चाशनी हमें नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसको नॉर्मल 3 मिनट तक उबाल लेंगे, बस एक हल्का सा इसमें तार बन जाए, ज़्यादा चिपचिपाट बना आ जाए, बस इतना ही हमें इसको बनाना है। इसमें चाशनी का कोई इतना झंझट नहीं है, तो जब तक चीनी मेल्ट ना हो तब तक हम इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ डरने वाली बात नहीं है कि हमें चाशनी बनानी है, यहाँ चाशनी नहीं बनानी है, बस सिंपल सा इसमें चिपचिपाट बनाना चाहिए, बस इतनी हम इसको बॉईल करेंगे। एक या दो तार की हमें चाशनी नहीं चाहिए। अभी हम फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, आपको जो भी पसंद हो आप इस टाइम डाल सकते हो, जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगे। इलायची पाउडर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी इसको हम बॉईल होते हुए 3 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा हमें नहीं करना है। तो अभी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको, मैं थोड़ा सा चला देती हूँ। और ये देखिए, ये अपने आप ही गिर रहा है, ज़्यादा ये गाढ़ी नहीं बनी है। अभी हम चेक करके भी देख लेते हैं, बस थोड़ा सा चिपचिपाटपन चाहिए इसमें। तो ये देखिए, बिल्कुल तार नहीं बन रहा है, बस अंगुली के चिपक रही है, बस इतना ही हमें ये चाशनी बनानी है। एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अभी जो मैंने कढ़ाई ली है, चाशनी को हमने बना के छोड़ दिया है, अभी हम इसमें डालेंगे। सूजी ठंडा हो गई है तो इसमें हम ये जितना सूजी लिया है उससे आधा कप हमने मिल्क पाउडर का लिया है। एक कप सूजी लिया है तो आधा कप हम इसमें मिल्क पाउडर का लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद आपको मिल्क पाउडर मिक्स करना है, जिससे क्या होगा कि इसमें गांठे नहीं आएगी, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, इसका एकदम मावा जैसा टेस्ट आता है, जैसे हमने कोई मिलाई या दूध या मावा इसमें कुछ डाला हो, ऐसा टेस्ट आता, बहुत ही मस्त टेस्ट आता है। तो मिल्क पाउडर अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और अभी मिल्क पाउडर मिक्स करने के बाद हम ये चाशनी बना के रखी थी वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। अगर इस टाइम आप फूड कलर डालना चाहते हो तो इस टाइम डाल सकते हो, अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसको चला लेते हैं। तो इसको चलाने के बाद हमें गैस पे रख लेना है, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देना है। अभी मैं गैस को ऑन कर दिया, मैंने मिक्स करने के बाद हमने गैस को ऑन कर दिया है और इसको 3 मिनट हम ऐसे ही मीडियम लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे, जब तक ये कढ़ाई छोड़ ना दे ये सूजी अच्छे से। तो ऐसे ही हमें इसको लगातार चलाते रहना है, बस 3 मिनट हमें टाइम दे के इसको चलाना है, क्योंकि हमने एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनी है, नॉर्मल हमने ऐसे चिपचिपाटपन इसमें चीनी में आने दिया है, इसलिए हमें थोड़ा 3 मिनट इसको हमने चला लिया है। चाशनी मिक्स करने के बाद हमने 3 मिनट इसको चलाया है और ये देखिए, ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगा है बेटर। आप देख दिए, देखिए नीचे से छूट रहा है ना अपने आप। तो अगर आपको आइडिया ना आए तो आप 3 मिनट इसको
चाशनी मिक्स करके 3 मिनट आप चला सकते हो। और अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा डो का रूप ले लेगा, तो थोड़ा सा इसको हम छोड़ देंगे। 2 मिनट में ही थोड़ा अपने आप डो जैसा बन जाता है, तो थोड़ा सा इसको चला देते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है वैसे वैसे देखिए अपने आप इसमें गाढ़ापन आ रहा है। तो अभी हमने गैस को बंद कर रखा है, सिर्फ 3 मिनट हमने मीडियम लो फ्लेम पे चला के रखा था इसको, फिर हमने बंद कर दिया था। और अभी जैसे जैसे ठंडा हो रहा है अपने आप ही डो का रूप ले रहा है, तो 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए एकदम ये परफेक्ट तरीके से बर्फी जैसा डो बन गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहा है, ये देखिए अपने आप ही ये निकल रहा है। तो इसका मतलब हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बना। अगर आपका ये चिपक रहा है तो आपको फिर से थोड़ा सा गैस ऑन करके इसको चला सकते हो, लेकिन हमारा एकदम परफेक्ट डो बन के रेडी हो गया है बर्फी के लिए। तो आपको चाशनी मिक्स करने के बाद आपको 3 या 2 मिनट इसको चलाना है गैस के मीडियम लो फ्लेम करके, उससे ज़्यादा आपको नहीं चलाना। बस इस बात का ध्यान दे लोगे तो आपकी बर्फी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और 1 कप से हमने ढेर सारी बर्फी बना ली है, ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा मस्त बनती है ये। तो थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं ऐसे, जिससे सॉफ्ट हमारी बर्फी बनेगी। ये देखिए अच्छे से सेट कर लेते हैं इसको, और आपको जितना मोटा पतला बर्फी चाहिए उतना आप इसको सेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ कि मैं नॉर्मल बर्फी बना रही हूँ। अगर आपको बर्फी में जितना मोटा साइज चाहिए उतना आप बर्फी को ऐसे इसको फैला सकते हो। लेकिन हमने अच्छे से इसको फैला दिया है, ये देखिए अच्छे से फैल गया है। और अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। मैं यहाँ पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा ये दिखती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप अगर बादाम हो या काजू हो या कुछ भी हो इस टाइम आप डाल सकते हो। कुछ भी नहीं हो तो आप कोकोनट बुरादा भी इसमें, नारियल का बुरादा जो आता है वो भी इस टाइम इसमें डाल सकते हो। लेकिन हमने पिस्ता डाल दिया, थोड़ा सा हमने इसको दबा दिया है ताकि ये सूखने के बाद, सेट होने के बाद, ठंडे होने के बाद ये पिस्ता निकले ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, 2 मिनट में ही नॉर्मल ये सेट हो जाएगी। तो अभी ये सेट नहीं हुई है तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैं 5 मिनट बाद में इसको चेक कर रही हूँ। और ये अच्छे से सेट हो चुकी है, थोड़ा ठंडा भी हो गई है। तो अभी हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करके दिखाते हो आप, कट आप देख सकते हो, कट से आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारी बर्फी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी है। ये देखिए बहुत ही आसानी से कट रही है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाटपन नहीं है, ना ही इसमें ये रबड़ जैसा बना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम चाशनी से मिल्क पाउडर डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं, तो चाशनी से कभी कभी ये एकदम रबड़ जैसी भी हमारी बर्फी बन जाती है। लेकिन आपको मैंने तोड़ के भी दिखाया था, बहुत ही टेस्टी एकदम सॉफ्ट बनी है हमारी बर्फी। और इसको आप महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप कोई भी फेस्टिवल या रक्षाबंधन आने वाला है या बच्चों का बर्थडे हो या आपका मीठा खाने का मन करे तो इसको आसानी से बना के इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही कम बजट में, सस्ते में हमारी ये बर्फी बन के रेडी हो जाती है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता। 10 मिनट में ये बर्फी हम बना सकते हैं। इसको मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा समय लग गया है, लेकिन अगर ऐसे हम बनाएंगे तो टाइम देके हम 10 मिनट में इसको बना के रेडी कर सकते हैं। इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए कितनी अच्छे से सेट हुई है, और ये देख पा रहे हैं इसकी कंडीशन देख रहे हो, बहुत ही अच्छे से बर्फी हमारी बनी है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर से मैं यही बोल रही हूँ कि आप बना के ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि बर्फी हमारी कितनी टेस्टी बनी है। और ये देखिए अभी मैं आपको इसको अलग ट्रे में निकाल के दिखाती हूँ, मैंने पहले भी दिखाया था, अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए बर्फी हमारी बनके रेडी हो गई, बहुत ही मस्त बनी है। 1 कप सूजी में हमने ढेर सारी बर्फी बना ली है। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देख पा रहे होंगे, अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।